Welcome back to the channel, everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. First of all, a very happy Diwali to everyone. और आज का वीडियो इसलिए थोड़ा अलग से हम लोग शुरू करते हैं. अभी फिलहाल मैं सुमित के जिम में द लिफ्टिंग क्लब, जैसे आप सभी को पता ही है. तो आज मेरा आखिरी दिन है, कल जा रहा हूँ वापस गुवाहाटी. कुछ काम के सिलसिले में मैं आया था यहाँ पे. अभी जाने से पहले सुमित और मैंने सोचा कि जब वापस जा ही रहे कल, तो कुछ ऐसे व्लॉग्स भी नहीं आया, तो फाइनली हम लोग ने एक प्लान पे वी लैंडेड अप कि लेट्स मेक ए वीडियो ऑन ए टॉपिक जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं. और सुमित का भी जैसे जिम है, सुमित का भी ऐसे क्लाइंट्स हैं जो सुमित को अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं. तो हम लोग ने सोचा कि चलिए फिर आज थोड़ा सा टाइम निकाल के, अभी इन्विटेशन भी है, एक दो जगह जाना भी है, तो उससे पहले हम लोग झटपट एक वीडियो बना लेते हैं. स्टैंड भी नहीं है तो स्टैंड का जुगाड़ देखिए, ये हम लोग ने बनाया है बेंच के साथ, प्लेट के साथ, और ये कुछ अपना स्टैंड है. इसी से गरीब है ना हम लोग, तो इसी से ही काम चल रहा है. तो एक्चुअली स्टैंड था, एक स्टूडेंट ले गया ना सुमित. हाँ. तो चलिए फिर वीडियो का शुरुआत करेंगे. तो आज का जो वीडियो है ये है वेरी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक के ऊपर, अंडे. ठीक है, अंडे हम लोग ने अंडे लेके भी आए. ठीक है, इसके ऊपर आज वीडियो बनाएंगे हम लोग, अंडे के ऊपर. ठीक है, कुछ और मत समझिएगा, अंडे ही है. तो जैसे कि मैं बता रहा था, आज का टॉपिक अंडा, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो मुझे आते हैं. ठीक है, इसको भी आता है. तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो अक्सर आता है कि सर हम लोग जो अंडे लेते हैं क्या अंडे सेफ है? हाउ सेफ आर एग्स? पहले तो एवरीवन हैप्पी दिवाली. अच्छा, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अंडा. तो अगर मैंने पूछा, मुझे पूछा जाता है. अच्छा अच्छा, ठीक है. अगर मैं इसको रेट करूँ अंडे को, अगर फूड का वैल्यू के हिसाब से, फूड इकोसिस्टम के हिसाब से, तो मैं इसको रेटिंग में 1 से 10 तक कितना दूंगा? मैं 9 दूंगा इसको. मैं बताऊंगा अभी लास्ट में, इसलिए मैंने इसको 9 दिया. 10 क्यों नहीं दिया मैं इसको भी बताऊंगा. ये सुपर फूड है. स्टे ट्यून्ड, आप लोग को जानने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा. ये सुपर फूड है, लेकिन मैं इसको 9 रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 10. मैं लास्ट में बताऊंगा भाई इसलिए 9 दिया. तो पहला जो क्वेश्चन है, इज आर एग्स सेफ? सुपर सेफ. क्योंकि अगर आप देखने जाए एनिमल किंगडम में, अगर कोई भी ऐसा कोई फूड हो जिसका रेशियो 1:1 हो, इन दी सेंस प्रोटीन इज टू फैट का रेशियो जो होता है, तो सिर्फ एक ही जो फूड आइटम है वो है एग्स. इसका रेशियो 1:1 है, मतलब इसमें 6 ग्राम प्रोटीन होता है और 6 ग्राम फैट्स होता है एक में. ठीक है, तो ऐसा कोई होलसम फूड नहीं है जो इसको बीट कर सके. According to protein is to fat ratio. Exactly. So this is also known as superfood. ठीक है, superfood. So this is one of the reason that you can, so that you can consider this is the safest food. One of the safest food. ठीक है. अब तुमने reason भी बता दिया क्यों safe है. ठीक है, scientifically. अब लोग मुझे और एक question पूछते रहते हैं कि सर मुझे दिन में कितने अंडे खाने चाहिए? How many eggs? एक दिन में कितने अंडे लेने चाहिए? मुझे तो ये क्वेश्चन, मेरा स्टूडेंट ऑलमोस्ट 300 के ऊपर स्टूडेंट्स है, हर रोज मुझे पता लीजिए, जो नया स्टूडेंट आता है हर रोज मुझे 2 या 3 क्वेरी इसके आता है. आपने बहुत ही अच्छा किया ये सामने रखा. मैं थोड़ा एक, इसलिए मैंने सोचा था कि हाँ, कि कोई जिसका थोड़ा नॉलेज भी है उसी से साथ ऐसा वीडियो बना रहा है. अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों अराइज होता है? पहला था, ठीक है, ये क्वेश्चन अराइज होता है इन एक टर्म होता है कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल एक टर्म है जो हमारे माइंड में घुस गया है. जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाएगा. हाँ, ठीक है, एग्स कम खाइएगा, गोलिक योग कम खाइएगा, मटन कम खाइएगा, या फिर कोई भी सैचुरेटेड फैट का फूड. तो पहले मैं इसलिए कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूँ. ठीक है, एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होता है, जो अंडे का जो कोलेस्ट्रॉल होता है, फिर कोई भी फूड का जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है. उसके साथ आपका बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल है उसका कोई लिंक नहीं है. ठीक है, बॉडी लिवर अपना कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है. ठीक है,
और इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये अगर आप ज्यादा ले रहे हैं उसका मतलब ये नहीं आपका बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, पहला क्लियर, ये एकदम साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये क्लियर करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, एक मतलब एडल्ट के लिए 200 टू 300 mg कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है, 200 टू 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल, 300 मिलीग्राम हर रोज चाहिए होता है फॉर हिज रेगुलर एक्टिविटी एक्टिविटी के। तो अगर ऐसा देखा जाए तो एक अंडा में 200 mg कोलेस्ट्रॉल होता है, तो एक अंडा ही आपका पूरा पूरा दिन का, एक अंडा से आपका पूरा दिन का तो कोलेस्ट्रॉल आ ही जाता है। तो जैसे मैं हूँ या अमित है, हम लोग 90 किलोस कैरी कर रहे हैं, मसल वेट कैरी कर रहे हैं, हम लोग के लिए एक अंडा क्या होगा? तो हम लोग इसका 10 times 15 times भी ज्यादा ले रहे हैं, तो हम लोग फिट नहीं है। अगर हम लोग अभी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करें, ब्लड टेस्ट करें, एवरीथिंग इज फाइन और उल्टा क्या होगा, जो नहीं खाते हैं उससे फिट हम लोग फिट। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल और जो हम लोग का बॉडी प्रोड्यूस करते हैं उसका कुछ लिंक नहीं है, क्योंकि एक अंडे से 200 मिलीग्राम हम लोगों को कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है 200 mg। तो मैं पर्सनली रोज 10 अंडे लेता हूँ, 10 × 200 कितना हुआ आपका, हो गया 2000। तो ऑलमोस्ट 10 times 10 गुना ज़्यादा मैं रोज ले रहा हूँ, ये तो और ज़्यादा लेता है। तो देखिए, तो इसी से प्रूव होता है, और मैंने रिसेंटली एक टेस्ट भी किया, आप लोगों को पता होगा, वीडियो मैंने डाला था, एवरीथिंग इज फाइन। तो यही प्रूफ है कि कुछ लिंक ही नहीं। और एक बात मैं बताता हूँ, आपका जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है आपका बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, आपका बॉडी खुद बनाएगा वो कोलेस्ट्रॉल विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स जो आप खा रहे हैं, शुगर जो खा रहे हैं, या फिर आपका जो फैट खा रहे हैं उससे बनाएगा बॉडी। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल ओनली 15 to 20% आपका बॉडी लेगा डाइट से, 85% कोलेस्ट्रॉल खुद लिवर बनाएगा, ये ह्यूमन मैकेनिज्म है, ठीक है। अब अगर ज़्यादा भी खाते हैं कोलेस्ट्रॉल वो आपका काम नहीं देगा, जितना बॉडी को चाहिए उतना ही बॉडी लेगा। तो फाइनली तुम क्या बोलोगे कि कितना अंडा ले सकता है? एक एवरेज जो जिम पहले बोलो, जो जिम नहीं जाते, जो जिम नहीं जाता वो जस्ट रेगुलर एक्टिविटी सुबह थोड़ा सा शौक देता हूँ आप लोगों को, जो जिम नहीं भी जाता है नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन भी, जो नॉर्मल एक्टिविटी 2 to 7 अंडा होल एग्स रोज खा सकते हैं, इट्स सेफ। अगर एक मैं वो देता हूँ, अगर उसका कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम नहीं है, या फिर उसका कोई जैसे डायबिटीज हो गया, ऐसा नहीं, अगर फिट बंदा है, एक्टिविटी में ज्यादा हैवी नहीं है, ज्यादा वर्कआउट वर्कआउट भी नहीं करता, वो भी 2 to 7 वो ले सकते हैं, एक वाइप एक्स्ट्रा ये आप लोग ले सकते हो, बट वी विल रिकमेंड कि आप 2 जनरली वी विल रिकमेंड 2 to 3 या ना, क्योंकि मेरे पास भी जितने पेशेंट्स हैं जो भी मुझे देखिए, आपके पास भी पेशेंट आता है, कोई टेस्ट तो थोड़ी कराएगा, एग्जैक्टली आप बोलेंगे तभी। जैसे मैं भी जब डाइट बनाता हूँ अपना क्लाइंट्स का, आधे से ज्यादा जो वीडियो अभी देख रहे हैं इन लोगों ने मतलब बुरा मत मानिए, अगर मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने लाइफ में कभी ब्लड प्रोफाइल का टेस्ट किया भी होगा, बहुतों को पता भी नहीं। हम लोग तभी टेस्ट करवाते हैं जब हम लोग को लगता है कि बॉडी में कुछ दिक्कतें चल रही है, लेकिन मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता ही हूँ, अपना बॉडी का जो है ना साल में 2 बार चेक कराना चाहिए, फुल बॉडी चेकअप इज मस्ट, तभी तो आपको पता चलेगा आपके बॉडी में कितना क्या उतार चढ़ाव है। सभी बाहर से तो सब है नहीं, वो चीज जब कहीं पेन होना शुरू हो जाएगा तभी हिट होता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है, तब फिर आप लोग टेस्ट करवाएंगे। तो एवरेज एक आदमी जो आपके पास आए और नॉर्मल, उसको कोई डिजीज भी नहीं है, कोई भी इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नहीं है उसका, तो 2 अंडे सिर्फ 2 to 3 eggs एकदम आराम से ले सकता है ना, 2 अंडे। तो नॉर्मल अगर आप जिम नहीं भी जाते हैं तब भी आप 2 अंडे ले, इसलिए हम लोग 2 अंडे लेके बैठे हैं क्योंकि मुझे पता है सब जिम नहीं जाते। अब तुम ये बताओ कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो लोग को किस हिसाब से अंडे खाना चाहिए? अच्छा, अभी एक बात इधर आ जाता है आपका MPS, मसल प्रोटीन सिंथेसिस, मैं समझा देता हूँ, मसल प्रोटीन सिंथेसिस MPS। तो एक बात मैं बोल देता हूँ, बहुत जन को नया हो गया चीज, एक स्टडीज हुआ 2017 में, 2017 रिसेंट स्टडीज है आपका हेबर्ट्स में हुआ था, हेबर्ट यूनिवर्सिटी, उसमें बताया गया है 2 बॉडी बिल्डर लिया गया है, दो नहीं एक्चुअली
दो ग्रुप लिया गया है 200 बॉडीबिल्डर का, 200 बॉडीबिल्डर का दो ग्रुप। एक को व्हाइट दिया, एक को सिर्फ व्हाइट दिया गया है, एक व्हाइट में रखा गया है एक महीना, वन मंथ, एक हंड्रेड को और 100 बॉडीबिल्डर्स को एक व्हाइट प्लस यो, मतलब होले होले होले, ठीक है। तो एक महीना बाद जो टेस्ट आया है, 37% ग्रोथ है एमपीएस में, जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस जो बॉडी बिल्डिंग के लिए मेन है। अगर किसी का एमपीएस लो होगा, जितना भी खाए जितना भी नहीं बनेगा, बहुत जन होता है मैं देखता हूँ एकदम मुझे आके पूछता है इतना मैं खा रहा हूँ इतना प्रोटीन ले रहा हूँ बॉडी नहीं बन रहा, वेट भी इतना उठा रहा हूँ बॉडी क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि वो लोग फोकस नहीं करते एमपीएस पे, वो लोग सिर्फ प्रोटीन पे डिपेंडेंट होते हैं, सिर्फ प्रोटीन बॉडी नहीं बनाते, सिर्फ प्रोटीन बॉडी नहीं बनाते। तो एमपीएस 37% ज्यादा होता है एक वाइट्स जो ले रहे हैं उससे एक होलेक जो ले रहे हैं। तो एक क्या प्रूव कर रहा है कि आपका फैट बहुत जरूरी है, हेल्दी फैट बहुत जरूरी है। 37% जो होलेक ले रहे हैं उसमें ज्यादा है एमपीएस ज्यादा है, तो ये प्रूव कर रहा है जैसे उसका मसल प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होगा तो उसका ऑब्वियसली मसल गेन भी मसल गेन ज्यादा होगा। मैं थोड़ा सा ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तक पूछ सकते हैं क्यों ज्यादा हो रहा है। तो आप जो बॉडी बिल्डिंग में है या फिर जो लाइफस्टाइल फिटनेस में जिम जो करता है तो वो लोग जानते होंगे कि प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन से बॉडी नहीं बनता है, आपका हॉर्मोन्स का बहुत बड़ा गेम है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है जो मसल बिल्डिंग हार्मोन है वो मेन है हम लोग का टेस्टोस्टेरोन, जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, सबको पता ही होगा जो बॉडी बिल्डर है उनको तो पता ही होगा टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन आपको तब ज्यादा मिलेगा जब आप योग खाओगे, योग मतलब हेल्दी फैट्स खाओगे इन द सेंस। तो टेस्टोस्टेरोन ऐसा हार्मोन है जो बनता है कोलेस्ट्रॉल से, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन डी 3 चाहिए होगा उसका रॉ मटेरियल है, ठीक है। वो हार्मोन अगर आप फैट कट करके रखेंगे होलियर बोल लो, प्रेप टाइम में आपको कट करना पड़ेगा तो आपको कैलोरी मेंटेन करना है। एग्जैक्टली, तो आपका एक लिमिट होता है, जैसे यंग जब रहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बिल्ड करेंगे यंग क्योंकि आपका पीक है टेस्टोस्टेरोन का, पूरा पीक पे रहता है, पूरा पीक है। लेकिन आप जब ही 30 क्रॉस करेंगे 28-30 में आएंगे तब आपका एमपीएस बहुत ड्रॉप होगा, क्योंकि आपने ठीक टाइम में आपने हेल्दी फैट यूज नहीं किया है बॉडी बिल्डिंग में। फॉर डेट फॉर सस्टेनिंग डेट आपको जैसे कि आपने दाल बनाया दाल के ऊपर रख दे दीजिए, जैसे रोटी लिया रोटी के ऊपर रख ले लीजिए, रोटी घी में रोटी को फ्राई नहीं करना है, रोटी को घी में आपको फ्राई नहीं करना। जो हम लोग पराठे खाते हैं घी वाले पराठे, जो सेंसिबल है वो घी वो पराठा को घी में फ्राई नहीं करेगा, पराठा बनाने के बाद। आप अगर हिस्ट्री ऑफ फूड देखे नॉर्थ साइड में पंजाब हो गया हरियाणा हो गया, वो लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग बिल्ड होते हैं जेनेटिक्स, क्यों वो लोग देखेगा उन लोग का खाने का स्टाइल है रोटी का ऊपर घी लेते हैं, हम लोग इस साइड में कहते हैं फ्राइंग के लिए यूज करते हैं, वो लोग डायरेक्ट खाते हैं। तो आप लोग ये चीज डिफरेंशिएशन समझिए, मक्खन घी वो लोग ऊपर रहते हैं, ये वो लोग का फूड चेन में है। एक्चुअली क्या है, लोगों को ये क्लियर नहीं है कि खाना कैसे है, लोगों को दिमाग में घुसा हुआ है कि घी वाली रोटी खाना चाहिए, घी वाली रोटी, लेकिन घी वाली रोटी आपको कैसे खाना ये बताना पड़ेगा, कुकिंग जानना पड़ेगा, कुकिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इस गेम में अगर लंबा जाना है तो कुकिंग के स्किल्स चाहिए होगा। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, ठीक है, इस लोग मुझे पूछते हैं कि अंडे साथ हम लोग बॉयल खाए फ्राई करके खाए या कैसे खाए। एक्चुअली ये मैटर करता है आपका कुकिंग, जैसे आपने बोला कुकिंग स्किल, तो कोई भी चीज़ कोई भी मतलब जो जिसमें फैट्स हो, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा अगर आप हीट करते हैं उसका सैचुरेटेड फैट का रेशियो ट्रांस फैट का रेशियो बढ़ जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा फ्राई होगा, तो अंडा अगर आप उसको मतलब फ्राई ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, हीट ज़्यादा दे रहे हैं, तो उसका नेचर चेंज होगा, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू चेंज होगा, प्रोटीन ड्रॉप होगा, प्रोटीन थोड़ा बर्न हो जाएगा, फैट जो फैट हेल्दी फैट था वो चेंज करेगा। जितना न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स मिलता कम हीट करने से आपको वो अब नहीं मिलेगा, अगर आप ज्यादा हीट करते हैं नेगेटिव है क्योंकि जैसे इसने बताया आप ऑयल को मान लीजिए जो तला हुआ चीजें जो हम लोग को मार्केट में मिलते हैं जिसमें समोसा वगैरह फ्राई करते हैं, दैट इज द अनहेल्दीएस्ट फॉर्म ऑफ ऑयल। क्यों?
क्योंकि वो तेल बार 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 हम लोग हीट कर रहे हैं, उसमें जो विटामिन ए है बर्न हो जा रहा है, सब बर्न, कुछ नहीं है उसमें। उसमें आपको पूरा भरा हुआ सैचुरेटेड फैट मिलेगा, पूरा भरा हुआ जो आपके बॉडी में जाएगा, और फिर दैट इज वो सब चीज़ आपके मतलब बॉडी में जाके कोलेस्ट्रॉल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको बढ़ा देता है, ना कि एक का योक, राइट। और अगर आपको खाना है, चीज करना है, तो आप घर में बना के खाइए, बहुत सेफ है। अगर कुछ भी बना के खाना है तो घर में बना के खाइए, क्योंकि आप जानते हैं आप क्या तेल यूज कर रहे हैं, क्या ऑयल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जानेंगे बॉडी में क्या जा रहा है। सेफेस्ट वे टू कंज्यूम एग्स, लाइक वी से बॉइल्ड खाइए, सेफेस्ट है पोच, पोच, और अगर थोड़ा सा टेस्टी बना के खाना है तो भुर्जी खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम उसको कुक नहीं करना, कुक नहीं करना। मैं हमेशा घर में भी अपने मम्मी को भी बोलता हूँ, खाना को ज्यादा कुक नहीं, खाना को पका के खाइए, गला के नहीं। लेकिन हम लोग के घर में, मैं बाकी इंडिया के हर जगह, मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, साउथ में भी रहा हूँ, हर जगह अलग अलग वे ऑफ कुकिंग है। यहाँ स्पेशली बंगाल के साइड या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ट्राइबल एरियाज में थोड़ा अलग होता है, नॉन ट्राइबल एरियाज में थोड़ा अलग होता है। कई कई जगहों में सब्जी इतना पकाएगा तुमको नहीं, तुमको समझ में नहीं आएगा कि सब्जी के अंदर कौन सा सब्जी है, ठीक है। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं ऐसे खा के। सब्जी जो है हमेशा आप लोग खाना जो है हमेशा पका के खाइए, गला के नहीं। अगर उसमें क्रंच नहीं है सब्जी में तो सब्जी नहीं रहा, सब्जी नहीं, ठीक है। आप वो क्रंच रखिए, क्रंच नहीं रखना चाहिए। जब आप एक ब्रोकोली का एक पीस खाओगे तब आपको वो फील होना चाहिए, यू आर हैविंग दैट ब्रोकोली, पूरा अगर गल जाओगे मुंह में आप गलते ही अंदर चला गया, वो न्यूट्रिशनल वैल्यू तब रहेगा ही नहीं उसे, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको बस यही चैनल पर मिलेगा। तो अंडे के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस थे, द बेसिक वंस वी ट्राई टू आंसर इट, ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, क्योंकि ज़्यादा अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो सर के ऊपर से जाएगा पौधों का। हम लोगों ने साइंटिफिक टर्म्स, मेडिकल टर्म्स भी यूज़ नहीं किया, जस्ट बेसिक, कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, क्यों अच्छा है क्यों नहीं है, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है जो कभी ख़त्म नहीं होता। न्यूट्रिशन साइंस एक ओशन है, रोज कुछ नया सीखने को मिलता है, रोज पढ़ता हूँ, रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। बहुत सालों से ये भी पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, तो इट्स वेरी फास्ट, ठीक है। तो आज का वीडियो यही पे ख़त्म करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो ख़त्म करने से पहले तुमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इसको तुम 9 दोगे 10 में से। हाँ, ये सुपर फूड है, इसको मैं 9 दूंगा, तो 10 में से 9 क्यों? क्योंकि एक 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 चीज़ है जो 10 में से 10 मैं दूंगा, वो है आपका ये लाइए। अच्छा, डब्बा डब्बा नहीं, वो प्रोटीन, ठीक है। एक ही चीज़ इसका डिफरेंस जो ला रहा है, ये भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, ये भी वो प्रोटीन बेस्ट सोर्स है, लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन स्लोअर है, इस ये ज़्यादा फास्ट एब्जॉर्ब होता है और डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। फास्ट एब्जॉर्ब भी होता है बॉडी में और डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है, इसी कारण से मैं इसे 9 और 10 में से 10 में वे प्रोटीन को दूंगा। तो दो डब्बा है जो वे प्रोटीन है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो लिंक भी दे दूंगा, आप लोग देख लीजिए। इसके ऊपर मैंने अच्छे से एक वीडियो बनाया, क्या होता है डब्बा और डब्बा हम लोगों को क्यों ज़रूरत है। सब लोग डब्बा ही बोलते हैं तो इसलिए मैंने बोला, बहुत लोग पहले बोलते थे डब्बा खा के बॉडी बनाओ, ठीक है, डब्बा खा के बॉडी बनाई। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वेरी हैप्पी दिवाली, एंड फिर मिलेंगे हम लोग और ऐसे ही एक इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तो मूविंग फॉरवर्ड ऑलवेज अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स, थैंक यू, टेक केयर।